जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर लामिया न्याजी हूँ। मैं बैरिस्टर उमेर न्याजी की बहन हूँ। मैंने NA 89 के नॉमिनेशन पेपर्स आज ले लिए हैं। कल का वाक्या चैनल्स की जीनत भी बना रहा है, जिस पे हमने एक हाई कोर्ट में आज पिटिशन भी की, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट की शुक्रगुजार हूँ। दे बीन वेरी वेरी रिसेप्टिव, उन्होंने फौरन मैटर टेकअप किया और उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए हैं कि द इलेक्शन प्रोसेस शुड बी फ्री एंड फेयर, और उन्होंने एक घंटे में मियाँ वाली से पुलिस से रिपोर्ट मंगवा ली है। इस चीज़ पे मैं भी एक मूसा खैल की धरती की बेटी हूँ और मेरा भी एक हक है बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह एज एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो जिस तरह मेरे वालिद साहब के साथ रवैया पुलिस का था कि उन्होंने अपने एक अजीज़ को कागजात पकड़ाए, जिस तरह ही वो निकले हैं उससे DSP, इट वॉज डे लाइट रॉबरी कि वो खींच के वो भाग गया। उसने इतने भी रुकने की नहीं की कि कोई वो इंटरमीडिएट या हरास, ये भी हरासमेंट ही है। अंदर जाके वो GRO साहब के दफ्तर में चला गया इन्होंने शिकायत लगाने के लिए। जब अंदर गए तो वो जी वहाँ से फिर फरार हो गया। मतलब ही डिड नॉट इवन बॉदर वेटिंग कि मैं कुछ आगे से इन्हें किसी किस्म की कॉन्वर्सेशन में इंगेज करूं, और वो लेके वो चला गया। अब आप देखें, बुनियादी तौर पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 2018 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इलेक्शन कमीशन की मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आपकी कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते अगर अ कॉमन सिटीजन लाइक माई सेल्फ, अगर हम जाके कागज़ नहीं ले सकते। फिर आज हमें कागज़ लेने के लिए रिट फाइल करनी पड़ी है, तो कल कागज़ जमा कराने के लिए भी क्या हमें यही करना पड़ेगा? सो दिस एटीट्यूड नीड्स टू चेंज इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। अब आपने इलेक्शंस अगर अनाउंस कर ही दिए हैं तो इट्स टाइम दैट लेट एवरीबडी प्ले देयर पार्ट एंड लेट ऑल द पार्टीज कम इन, और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और वो हमारे सारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। थैंक यू।